अस्सलाम वालेकुम इंजी भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉनसन जी, फाटा का इंजमाम तो के जी सुना था हमने, लेकिन जॉनसन ये कुदरत का इंजमाम जो है, ताबिश आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी यार कमाल है जॉनसन यार। लेकिन वेरी गुड जॉनसन, बड़ी खुशी हो रही है। मेरे सामने इस वक्त मोइन खान बैठा हुआ है, मेरा बड़ा पुराना दोस्त है। हाँ। और हम में एक चीज बिल्कुल डिफरेंट है, वो ये है कि जी मैं जब भी कोई बात करता हूँ तो सीधी और सामने करता हूँ, और मोइन जब भी बात करता है पुठी और पीठ पीछे करता है, क्योंकि विकेट कीपर है ना, तो विकेट कीपर है ना वो, पीछे बात करता है। तो जो तो इन्हें तो ये आज के मैच पे तजिया करें यार, छोड़ें इधर उधर की बातें ना करें, आज के मैच पे तजिया करें। इंजी भाई आज पहले बताएं कोई चांस है वो? हाँ बोले। नहीं, दूसरा ये कि मेरा दोस्त आकिब जावेद, मैं पहले तो उसको देख के बड़ा खुश हुआ हूँ। 92 के वर्ल्ड कप में खान साहब ने ये कहा था कि जी आप लोग जीतोगे तब जब आपस में प्यार होगा। तब के बाद से मैं और आकिब जब भी एक दूसरे को देखते हैं तो एक प्यार वाला गाना गाते हैं। वो गाना मैं गाना चाहूंगा आकिब के लिए। बताओ, वो प्लीज, गाना प्लीज, है, गाईए, गाईए। रूप तेरा जोंस है मस्ताना, प्यार मेरा कि जी दीवाना, जोंस है ये भूल कोई हमसे ना हो जाए कि जी अल्लाह वाला। इन्होंने इंजमाम ने इतना अच्छा गाना गाया जी, जी। तो इनको मुबारक हो। ये हमारे भी कभी पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर होते थे, आजकल तो चीफ ही चल रहे हैं। अच्छा इंजी भाई एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ओए ताबिश के बच्चे, अगर तो तुम्हारा अपने इन खिलाड़ियों के ऊपर जॉनसन है कंट्रोल है, फिर कंडक्ट करो प्रोग्राम, वरना सारी जिंदगी ऐसे ही ये चंदे जमा करते रहोगे, ये 15,000 रुपए वाले। ताबिश आप मैच के ऊपर तासुरात ले रहे हैं, इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि तुम्हारे पास 15,000 तुम्हारे अकाउंट में जमा हो। अच्छा, तुम जैसे बंदों के अकाउंट में अगर 15,000 रुपया जमा हो जाए ना, तो एहतियातन जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करते, कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, मेरा मुंह ना खिलवाओ। अच्छा इंजी भाई मेरी बात सुने, अल्लाह बड़ा गुस्सा जी। इंजी भाई मेरी बात सुने ना, मेरा सवाल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई चांस है वर्ल्ड कप में, या अब हम ना ही समझे? नहीं, बड़ा अच्छा, मैं देखे अपने साथ स्टेट्स लेके आया हूँ, टीम बड़ा फाइट कर रही है। और सिर्फ एक चीज है कि अगर हम जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के मैच में से बांग्लादेश जीत जाए, पाकिस्तान नीदरलैंड में से पाकिस्तान लाजमी जीते, इंडिया और श्रीलंका साउथ अफ्रीका में से इंडिया जीते, तो फिर नीदरलैंड और जिम्बाब्वे में से बांग्लादेश जीत जाए, और उस तरह से फिर देखे हमने आगे तो जाना है। देखे ना, ये पर्थ है, पर्थ से आगे जोन सा सिडनी है, सिडनी से आगे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से आगे लाहौर है, ठीक है। तो जोन सा आगे नहीं जाना, तो ऑल दी बॉयज ने कि जी किस जगह पर। अच्छा, अगला सवाल आपसे ये, हमसे पावर प्ले में हिट्स क्यों नहीं लग रही हैं? आप इन ग्राउंड पे बड़े बड़े छक्के मार चुके हैं, कवर पे आपकी ड्राइव न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आज तक आइकॉनिक छक्का है वो जो आता है हाईलाइट में, तो अब ये बच्चों से क्यों नहीं लग रही, लड़कों से क्या कमजोरी है यार? देखिए कमजोरी तो अब जाहिर है आकिब जावेद को पता होगा कि किसके अंदर कौन सी अली कमजोरी है, क्योंकि जॉनसन जब से बताया क्रिकेटर है, हकीम नहीं है आकिब जावेद के, आपके वो आकिब जावेद को हिकमत का भी बड़ा शौक है ना, जॉनसन हिकमत के फूल झाड़ते होते हैं, ये शाहीन अफरीदी इनके आंख लगा देख लें, किसी काम का नहीं रहा जॉनसन, जिस जिसको आकिब जावेद ने जॉनसन ट्रेन किया है तो उसका यही वाला हाल हुआ है। बात ये जॉनसा की, मुझसे आपने पूछना तो बॉलिंग का पूछें जॉनसा, बैटिंग वाली हाँ। तो मेरी लाइन नहीं है। अच्छा जिम्बाब्वे के ऊपर क्या कहेंगे कि आज जो शिकस्त हुई है, इसके ऊपर कोई कमेंट्स हैं आपके? देखिए जॉनसन खान साहब ने ना सारी कौम को 92 के वर्ल्ड कप के पीछे लगाया हुआ है, जॉनसन उसमें इतना उलझा दिया लोगों को, यही नहीं पता कि इस वर्ल्ड कप को भी देखना है, कोई इसके लिए भी दुआ करनी है,
लोग जीते कौम की दुआओं से जीतते हैं। यही आकिब जावेद, यही जॉन सा मोइन खान ये कहा करते थे कि जी हम कौम की दुआओं से जीते हैं। ये आपने पढ़ा नहीं, ये लिखा होता है ये सब मेरे माँ बाप की दुआ है। हाँ। जॉन सा जिम्बाब्वे के जितने खिलाड़ी मोगा राबी मोगादो कदाबोद उन सब ने मुझे जॉन सा बताया कि जी अपने घर बता के आए कि मेरे लिए दुआ करना। हम लोग दुआ से याद आया इमाम, ये अपना इमाद के लिए इमाद भी बैठे हैं हमारे साथ, इनके लिए कोई दुआ कोई वजीफा कुछ तो देने। जी जी क्या खैरियत, मतलब किस सिलसिले में आप चाह रहे हैं जॉनसन? अल्लाह ताला आपको खुशखबरी दिखाए, वर्ल्ड कप का स्पॉट मुझे बताएं किस सिलसिले में। वो यही है ना, टीम के अंदर खिलाड़ी आएगा तो ये खुशखबरी नहीं है तो कौन सा ओए ताबिश फपे कुटनी ना बन जॉनसन। मुझे ब्रेक लेनी होगी, वक्फा जरूरी।